तिब्बतियन मानवाधिकार संगठन की निदेशक छेरिंग सोमो ने कहा कि उनके द्वारा तिब्बत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जैसे कि चीन दावा करता है कि तिब्बत में बहुत विकास करवाया है, हमने सारी रिपोर्टों में ये प्रूफ किया है कि तिब्बत में कोई विकास नहीं हो रहा है, बल्कि तिब्बत में विकास के नाम पर तिब्बती भाषा और संस्कृति को चीन सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि चीन बहुत से देशों में विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेल्ट एंड रोड के माध्यम से चीन अपनी शक्ति को विभिन्न देशों में दिखाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के बहुत से विकसित देश हैं जहां चीन के विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि विकसित देशों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में तिब्बती भाषा और संस्कृति नष्ट हुई है, ऐसे में हमारा कहना है कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में जो भी देश भाग ले रहे हैं उन्हें इसके पीछे चीन के उद्देश्य को समझ लेना चाहिए। मेरा नाम छेरिंग सोमो है और मैं यहाँ तिब्बती के मानव अधिकार संगठन का भी डायरेक्टर हूँ। आज यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारा एक नया रिपोर्ट हमने लॉन्च किया है। ये रिपोर्ट तिब्बत के बारे में है। तिब्बत में जो चीन रोज वो कहते हैं कि तिब्बत में उसने विकास बहुत किया हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हुआ है, लेकिन इस रिपोर्ट से हमने ये प्रूफ किया है कि तिब्बत में वास्तव में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि तिब्बती का अपना खुद का ये मदर टंग है ना, लैंग्वेज भाषा, अपना खुद का भाषा और अपना खुद का संस्कृति, ये सब ये डेवलपमेंट के नाम पे सब ख़त्म हो रहा है। इट्स इनफैक्ट ये डिस्ट्रॉय कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट जी। और इसमें एक खास बात ये है कि इस रिपोर्ट में जो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में चाइनीज गवर्नमेंट का वो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के द्वारा वो डेवलपिंग के ये से बहुत सारे देशों में विकास कर रहा है, उसको मदद कर रहा है। सो इस रिपोर्ट में हमने ये स्पष्ट किया है कि वास्तव में ये बेल्ट एंड रोड चाइना का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, खुद का ये जो पावर जो है वो इंटरनेशनल में स्प्रेड करने के लिए एक तरीका जो है वो कैसे कर रहा है। और फिर डेवलपिंग कंट्रीज तो बहुत है चाइना के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे विकास के ये प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहा है, लेकिन हम इस रिपोर्ट के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि तिब्बत में अभी बहुत सालों से, अभी 60 साल से ज़्यादा सालों में जो हमारा भाषा और हमारा संस्कृति नष्ट हुआ है ये डेवलपमेंट की अंतर्गत, तो उसको बेल्ट एंड रोड में जो भी भाग ले रहा है ये सब उनको गवर्नमेंट्स को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइना का ये सब बेल्ट एंड रोड के द्वारा चाइना का असली में उसका मतलब उसका व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, यू नो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सिर्फ विकास के बारे में है या कुछ और है। हमें हमारा मानना है कि ये सब चाइना अपना खुद का जो मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर जो है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों में वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट के द्वारा हम डेवलपिंग कंट्रीज जो भी बेल्ट एंड रोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को हमारा ये निवेदन है कि उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हाँ जी, इंडियन गवर्नमेंट को भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि बेल्ट एंड रोड में अभी इंडिया शामिल नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छा मेरे हमारे ख्याल से बहुत अच्छा तरीका है।